आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि विद्यालय गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पुस्तक धारिणी मैदान जाम जकारा पहा
हर तेज पाटिक मालिकम विदधति परमा समय शांति धाम वंदे धाम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं डॉक्टर जे सिद्दीकी जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर जे सिद्दीकी जी 25 वर्षों से सीसीएस यूनिवर्सिटी में लगे काम का अनुभव है। 20 वर्षों से आप यूजी एनपीजी कोर्स का शैक्षणिक अनुभव रखते हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एसओडी हैं। आप आईपीएससी नेशनल एकेडमिक काउंसिल के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। लाइब्रेरी एंड कल्चर काउंसिल के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड एंड ऑनर प्राप्त किए हैं, जिसमें से गोल्डन एम अवार्ड, इंडियन टीचर अवार्ड, गोल्डन लाइब्रेरियन अवार्ड, शिक्षक सम्मान डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आपने 5 पुस्तकें लिखी हैं। आप 53 पेपर पब्लिश करा चुके हैं। आपके अंडर में 9 एमफिल हो चुके हैं और आपने 32 सेमिनार वर्कशॉप आदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अटेंड किए हैं। आप रिसोर्स पर्सन के रूप में 75 से अधिक व्याख्यान दे चुके हैं। सर, मैंने भी आपका व्याख्यान सुना है। आप एक बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। आपका हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देखिए
सात दिन बीत चुके हैं, बच्चे थक गए होंगे, फैकल्टी भी थक गई होगी। बहुत से विद्वान लोगों को आपने सुना होगा, मैं तो लास्ट मैन हूँ, जैसे क्रिकेट की टीम में 11वां खिलाड़ी आता है खेलने, तो स्टेमिना उस वक्त तक सुनने वालों का थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये मेरा वायदा है, इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज के इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। और ये महत्वपूर्ण दो तरह से है। पहला कारण तो अभी सुबह प्राचार्य मैंने उससे पूछा कि क्या ये प्लेजरिज्म जो है प्रमोशन में भी काम आता है। मैंने जवाब दिया, नंबर एक तो इसीलिए बना था, ये बाद की बात तो दूसरी है। रिसर्च स्कॉलर्स तो हमारे पीछे है ना, आगे तो हम लोग है ना, पहले हम पर लागू होना चाहिए, बाद में हमारे बच्चों पर लागू होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं आज कवर करूंगा। भाषा की तो प्रॉब्लम है किसी को, थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोलूंगा, थोड़ी सी हिंदी भी, और हो सकता है बीच बीच में उर्दू और अरबी भी बोल जाऊं, तो क्षमा कीजिएगा। प्लेजियरिज्म, सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू स्पेल आउट दिस टेक्निकल टर्म। बहुत से लोग प्लेजियरिज्म बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखें वेस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी, उसमें इसका उच्चारण है प्लेजियरिज्म, जो हम लोग आम तौर पर, हमारा एक्सेंट ही नहीं बनता, हम तो देसी लोग हैं, हम तो अपनी एक्सेंट पर ही रहते हैं और हम इसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। आसान भी है कहने में और कोई दोष भी नहीं। मैंने बाद में लिखा एन अकेडमिक डिसऑनेस्टी। सरलतम शब्दों में प्लेजियरिज्म जो है वो चोरी है। चोर आपने सुने होंगे, घर में चोरी करते हैं, सड़क पर मोबाइल छीनते हैं, सड़क पर चलती महिला की चेन स्नैच करते हैं, वो भी चोरी है। लेकिन उसकी सजा आप जानते हैं, थाना कचहरी जेल। वो तो अपराधी हैं, यानी उनका पेशा है। लेकिन हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो अकेडमिशियन हैं, हम भी चोरी करते हैं। एक अनपढ़ अगर चोरी करे तो उसको तो दुनिया माफ कर सकती है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा विद्वान चोरी करे तो उसको धरती का कोई भी व्यक्ति माफ नहीं कर सकता। क्यों? वो शिक्षक है, और शिक्षक का काम है अपने बच्चों को ज्ञान देना। क्या ये भी ज्ञान देना हुआ? तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर अंकुश लगाना होगा। क्या कहती है यूजीसी? वर्ष 2018 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। क्या कहा? Is mandated to coordinate and determine the standards of higher education and the assessment of academic and research work done leading to partial fulfillment of the award of degree of masters and research level. Masters. ये यूजीसी का स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का। मास्टर्स मीन्स पीजी लेवल पर भी ये लागू है। अगर आपके यहां कोई ऐसा पीजी कोर्स है जिसमें डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क है, दिस इज एप्लीकेबल टू दैट ऑल्सो, राइट? बाय ए स्टूडेंट और ए फैकल्टी और ए रिसर्चर और ए स्टाफ, डोंट गेट कंफ्यूज। ये लगाम जो है ये केवल रिसर्च स्कॉलर के लिए नहीं है, ये फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है, ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, ये पीजी स्टूडेंट के लिए है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। क्यों है?
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक लेखाधिकारी आए थे और उन लेखाधिकारी के मेरे से ज्यादा पब्लिकेशन थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पर लागू नहीं होगा, उन पर भी लागू होगा। यानी हर उस व्यक्ति पर जो समाज के लिए कुछ अकेडमिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस इन द फॉर्म ऑफ थीसिस, डिसर्टेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स, चैप्टर्स एंड बुक्स, फुल फ्लैश बुक्स एंड एनी अदर सिमिलर वर्क रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू व्हिच एलिमेंट ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड ओरिजिनलिटी आर ऑब्जर्व्ड इन वेरियस रेलेवेंट प्रोसेसेस अडॉप्टेड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देयरफॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हियरबाय मेक्स द फॉलोइंग डेक्लेरेशंस। इसमें हर किसी को शामिल कर लिया गया है, कोई भेदभाव नहीं है। These regulations shall be called the University Grants Commission Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Education. They shall apply to the student, faculty members, research scholars and staff of all higher education institutions in the country. ये तो University Grants Commission की वेबसाइट से लिया गया है और इसका एक गजट भी जारी हुआ है। लोगों के बीच ये भ्रम था कि अभी तो यूजीसी ड्राफ्ट बना रही है, अभी तो यूजीसी सोच रही है, अभी इसको लागू कब किया जाएगा। ये सामने प्रूफ है, जुलाई 31, 2018 से ये लागू हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका गजट भी जारी कर दिया था। है क्या प्लेजरिज्म है क्या? यूं तो आप किसी डिक्शनरी से, गूगल बाबा से, कहीं से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज प्लेजरिज्म, राइट? बट दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एमिनेंट स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ प्लेजरिज्म। टू यूज द वर्ड्स और आइडियाज एज ऑफ अनदर पर्सन एज इफ दे वर योर ओन वर्ड्स। है किसी का बना लिया अपना, बस एक प्लेजरिज्म है, उसको छुपा करके काम कर लिया, उसको बिना बताए काम कर लिया। टू यूज अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिट, अरे भाई आपने किसी से कुछ लिया है तो उसका आभार तो व्यक्त कर दो। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेपर, उसका नाम तो लिख दो, विद इन पैरेंथेसिस उसका सोर्स तो लिख दो। चोरी भी सिंगादोरी। आपने अगर अपने पब्लिकेशन में, अपने रिसर्च पेपर में किसी दूसरे रिसर्च पेपर के किसी स्टेटमेंट को शामिल किया है, क्या हर्ज है कि हम उसका रेफरेंस लिख दें या डबल इन्वर्टेड कॉमास से उसको बंद कर दें कि ये मेरा आइडिया नहीं है बल्कि ये किसी दूसरे का आइडिया है लेकिन मैंने इसको अपने पेपर में शामिल किया है। यूजिंग समवन एल्स वर्क और वर्ड्स आइडियाज रिसर्च without the approval or the acknowledgement of the writer and claiming the credits of themselves. है किसी का क्रेडिट आप ले रहे हो? ये तो दिमाग की चोरी है ना कि किसी के आइडियाज को, आइडियाज आर बॉर्न इन द ह्यूमन माइंड्स, तो अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने तो हर किसी को दिमाग दिया है ना, और हर एक व्यक्ति का, मनुष्य का दिमाग अलग तरह से सोचता है। अगर कोई फिलोसफी का यहां विद्यार्थी बैठा हो तो अरिस्टोटल की फिलोसफी मालूम होगी। क्या थी फिलोसफी इसकी? ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन दिस अर्थ हु आइडेंटिफाइड द फाइव सेंस ऑर्गेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड दीज फाइव सेंस ऑर्गेन्स आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज। आप अलग सोच सकते हैं, आपके आइडियाज अलग हो सकते हैं। When ideas are processed, it becomes information. तो आइडिया किसी का नाम आप अपना ले रहे हो, that is plagiarism. Plagiarism is a form of academic dishonesty, academic misconduct and digital cheating. It is declared to be an unacceptable legal act according to the institutional regulations. मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, व्हाट डज इट मीन।
but there has been a number of definitions given by different scholars in their respective approaches. UGC ने ये सब कदम क्यों उठाया, उसका ये कारण है. क्या है कारण? In the 1980s, India was among the top 10 countries in the world producing original research. दुनिया के अंदर टॉप 10 कंट्रीज में नाम था इंडिया का एज फार एज क्वालिटी रिसर्च इज कंसर्न. स्लिपिंग टू नंबर 12 इन द 1990s, जो खिसक कर 1990 के दशक में 12वें स्थान पर आ गया. एंड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द न्यू मिलेनियम इट्स पोजीशन फर्दर स्लिप अलार्मिंगली टू बिलो 20. Research was no longer seen as a prestigious career option because India has failed to provide adequate encouragement, incentive and appreciation for students to get into research area. This is Moody's report. ये था कारण कि हर साल क्वालिटी जो थी रिसर्च की वो डिक्लाइन करती चली गई और हम दुनिया के नक्शे पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे जहां तक क्वालिटी की बात थी. What does plagiarism look like? Citing is source improper. दिया तो है citation, लेकिन कहीं से कहीं तक उस रिसर्च पेपर से मैच नहीं कर रहा. यानी जिसका दिया उसकी जो बिबलियोग्राफिक डिटेल्स है उससे मिसमैच है. जब मिसमैच होता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता. ये इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों तरीके से हो सकता है. फेलियर टू साइट सोर्स, विद्वान बहुत से ऐसे भी हैं कि साइट ही नहीं करते. कौन पकड़ रहा है, कौन देख रहा है, कैसे पता लगेगा? ये सारी बातें आगे करूंगा मैं. कैसे पता लगेगा? क्रिएशन ऑफ फॉल्स सोर्स. आपने अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में कोई पैराग्राफ लिया है किसी दूसरे स्थान से, लेकिन वो सोर्स जो आपने दिया है ओरिजिनल सोर्स में वो रेफरेंस किसी दूसरी तरीके से दिया हुआ है. क्यों होता है प्लैगियरिज्म? सबसे पहला जो मैंने ऑब्जर्व किया है ओवर टाइम मैनेजमेंट. ओवर कमिटेड विद वर्क और सोशल एक्टिविटीज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. अभी डॉक्टर अर्चना पूछ रही थी आप तो नैक की तैयारियों में लगे हुए हैं. जी बिल्कुल, नैक की तैयारियों में लगे हैं और सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक की ड्यूटी चल रही है. और मुझे झूठ कतई पसंद नहीं. मैं बिल्कुल सच बोल सकता हूं कि पिछले 27 दिन से मैंने कोई क्लास नहीं ली. प्रायोरिटी और मे बी वाइस चांसलर ने कोई काम किया है, इट हैज टू बी डन. सोशल असाइनमेंट्स इतने हैं, घर में शादी है, परिवार में शादी है, घर में बीमार है, परिवार में बीमार है, आप इग्नोर नहीं कर सकते. यू हैव टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पर्सन, विच इज नॉट इजी. तो जब आप इतने व्यस्त हो गए तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे? आप ये चाहते हो कि मैं एक रिसर्च पेपर, वो भी एक दबाव है, वो भी एक प्रेशर है. अरे एपीआई की तो फिक्र है ना. यू पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन अवर ओन एपीआई. अरे प्रमोशन नहीं लेना, अरे मेरा तो स्कोर अभी यही है, मेरा टाइम कितना बचा है, 3 साल का मेरा ड्यूरेशन है असेसमेंट का, मेरे इतने पेपर हो जाने चाहिए थे, वो भी एक प्रेशर है. और क्वालिटी यूजीसी केयर में होना चाहिए, स्कोपस पे होना चाहिए, ये सारे इश्यूज है. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है ये हम मैनेज नहीं कर पाते और इसलिए हम हरी हर काम करते. जब राइटिंग की बात आती है, पब्लिकेशन की बात आती है, उसमें अगर आपने जल्दबाजी की तो उसका अंजाम फिर प्लैगियरिज्म होता है. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. आप चाहते हैं जल्दी से हो जाए,
इंग्लिश कॉम्प्रेंशन डिफिकल्टीज, ये तो पुरानी बीमारी है हम लोगों की। मैं क्लास में जब नया बैच आता है, नए बच्चे आते हैं, तो पढ़ाना शुरू करता हूं। और जैसे मैंने अभी पूछा कि बच्चों भाषा की तो प्रॉब्लम नहीं है, सर हिंदी में पढ़ाइए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से सर हिंदी में पढ़ाइए। और जब मैं हिंदी में पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं सर अंग्रेजी ठीक है। हिंदी तो फिर हिंदी है ना, हमें तो वो भाषा आती है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि हम प्राइमरी लेवल से जो अपनी प्रॉब्लम लिए चले आ रहे हैं, स्कूलिंग से हमारी जो समस्या है। मैं सबसे पहले ये भी सवाल करता हूं, बेटे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, वो तीन कैटेगरीज बना लेता हूं। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं यूपी बोर्ड से हूं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं। पीपल के पेड़ के नीचे बोरी डाल के क्लास होती थी हमारी। आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मैं वहां से हूं। क्यों? वहां की जो पढ़ाई का स्तर था, लेवल था, छुट्टी के बाद जो लोहे का घंटा टगा होता था, जैसे ही उस पे टन 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 छुट्टी की घंटी बजती थी, बच्चों की हिम्मत नहीं थी कि वो घंटी बज के घर को भागे, बल्कि ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता था। मास्टर जी पंडित जी हुआ करते थे, डंडा लेकर आते थे, आगे बता 1908, और बस एक सेकेंड का टाइम होता था। ये नहीं तो 1900 से कम 1900 करना शुरू कर दिया, इतने में तो समझ उतर जाए। और वर्तमान समय में अगर टीचर ने स्कूल में बच्चे को ऐसे की देख लिया ना, अगले दिन 50 आदमी पहुंच जाएंगे, कौन सा आदमी मास्टर। दिस इज द डिफरेंस। तो आई फील माई सेल्फ प्राउड टू बी ए प्रोडक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल। Yes, cultural differences, referencing sources was not required in previous educational institutions. RG कॉलेज मेरठ शहर का पुराना कॉलेज है। हो सकता है कुछ शिक्षक ऐसे हो कि जो दूसरे संस्थान से आए हो, वहां का कल्चर क्या होगा, वहां किस तरह का एनवायरमेंट था, वहां के टीचर साथी कैसे थे, उनका लेवल कैसा था, प्राचार्य कैसे थी, सारा मैटर करता है। अब यहां आ गए आप, यहां प्राचार्य दूसरी मिल गई और उन्होंने कह दिया मुझे हर साल 2 पेपर चाहिए हर टीचर से, और यूजीसी के अंदर चाहिए, स्कोपस में चाहिए। अभी कल्चरल डिफरेंसेस हो गए। वहां तो आजादी थी, अरे बड़ा मजे की नौकरी थी। अब पास्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा पसंद आता है, पास्ट प्रिंसिपल हमेशा पसंद आता है, ये ह्यूमन एरर है। अब नीच इज नॉट गेटिंग कॉट, एक ये भी हमारे अंदर विश्वास सा बन गया, अरे कौन पकड़ेगा, अरे कैसे पकड़ जाऊंगा मैं, कौन पकड़ेगा, मुझे बताने वाला पकड़वाएगा, मैं बता देता हूं आपको। ये जो है ना बिलीव इन नॉट गेटिंग कॉट, मुझे कौन पकड़ेगा, किसी को क्या पता, मेरे तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज के इस रिसर्च पेपर में से एक पैराग्राफ ही तो लिया है, दुनिया में किसी को क्या पता। यह गलत पहले निकाल दो, आगे बताऊंगा कैसे। अभी मैडम ने कुछ मुझसे सवाल किए थे जब मैं आया था, तो मैंने कहा मैं तो जब माइक लेकर खड़ा होगा तभी बोलूंगा। ये मैडम के 2-3 प्रश्नों के उत्तर है इसमें, ये मेरा एक्सपीरियंस है। चौधरी चंद सिंह यूनिवर्सिटी में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वह चेक करने के लिए, वो मैं यूज करता हूं, मैं ही चेक करता हूं, नॉट ओनली इन कैंपस, केवल कैंपस के रिसर्च स्कॉलर्स का नहीं, बल्कि चौधरी चंद सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी महाविद्यालय हैं वहां के तमाम शोधार्थियों का थीसिस नहीं चेक करता हूं। तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं,
बच्चों की चालाकियां क्या है, बच्चों के शॉर्टकट्स क्या है, वो सब मुझे पता है। जनरली मोस्ट लैंग्वेजेस इज अनइंटेंडेड, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लैंग्वेजेस रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर स्टडी हैबिट्स और फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई हैव पॉइंटेड आउट, केयरलेसनेस नंबर वन। केयरलेसनेस क्यों लिखा मैंने, कि उन्होंने एक चैप्टर लिखा, प्रिंट आउट लिखा और सीधे लेकर सुपरवाइजर के आ गए, मैं उसे चेक कर लू। मैन को तो, सर को तो बिल्कुल खाली समझते हैं कि इसे और कोई काम नहीं है, बस मेरा इसे चेक करने की इसकी जिम्मेदारी है। और उस पहले ड्राफ्ट में आई एम डेड श्योर 40% मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो बच्चा खुद निकाल सकता है, जो बच्चा खुद निकाल सकता है। तो मैं तो पहला सवाल ये करता हूं, जब कोई रिसर्च स्कॉलर मेरे पास लेकर आता है, तुमने पढ़ा इसको, साइलेंट मोड क्या है, खुद नहीं पढ़ा, एक बार रीडिंग नहीं की उसकी, सीधे लाके सुपरवाइजर पे, एक जिम्मेदारी है तो तू चेक कर। सबमिट फर्स्ट ड्राफ्ट जो लिखा बस वही लेके आ गए, जो लिख दिया वही लेके आ गए, उसको आप दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, उस वक्त तक पढ़ो जब तक आपकी सोच ये ना कह दे कि अब बिल्कुल ठीक है, तब सुपरवाइजर के पास लेके जाओ। मिस्टेक्स विद साइटेशन, मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स आर डूइंग दिस मिस्टेक, कि वो उनको पता ही नहीं कि साइटेशन कैसे दिया जाता है, रेफरेंसिंग कैसे दी जाती है, एंड नोट कैसे दिया जाता है, और ये सारी चीजें बताने के लिए ही ये एफटीपी चलता है, कि हम उन सारे इश्यूज को टच करें जो रिसर्च स्कॉलर को नहीं पता होते। इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कॉपीड बट नॉट साइटेड एंड रेफरेंस्ड, इनएप्रोप्रिएट एंड पुअर पैराफ्रेजिंग, रेफरेंस लिस्ट इनकरेक्टली फॉरगेटेड और नॉट अटैच्ड, इनएडिक्वेट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। These are some of the points that I have pointed out in going through different theses submitted to this university. If you are writing a research paper, if you are writing a book chapter, if you are writing your research report, it is suggested, it is recommended to use the high quality publications. It is recommended to use the best sources of information. I have given some examples of high quality publications, that is university presses, Harvard University Press, Oxford University Press, Cambridge University Press, major publishing houses, Elsevier, Taylor & Francis, Penguin, Springer Nature. Well-known organization, these are some of the well-known organizations. If you want to take some tabulated form of document or information, you can opt well-known newspapers, well-known media sources and online journals like Jastor and Spindler Day. अगर आपने इस तरह के sources का इस्तेमाल करके अपना रिसर्च पेपर, बुक चैप्टर या रिसर्च रिपोर्ट लिखा और प्रॉपर साइटेशन दिए, तो आपका हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर माना जाएगा, हाई क्वालिटी पब्लिकेशन माना जाएगा। हेडिंग चेंज कर सकते हैं, बैड सोर्सेस ना लिख करके ये लिखे टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सोर्सेस, ये बेहतर रहेगा, कभी कोई बुरा मान जाए कि मुझे बैड क्यों कह दिया। विकिपीडिया, विकिपीडिया आप जानते हैं एडिटेबल पोर्टल है, कि इन्होंने अपने विचार डाल दिए, इन्होंने अपने विचार डाल दिए, किसी ने डिलीट मार दिया, किसी ने ऐड कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक, यू कैन नॉट रिलाय ऑन दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एडिटेबल, सो अवॉइड सच काइंड ऑफ साइट्स। पर्सनल ब्लॉग्स,
वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि क्या कहते हैं वह सोशल मीडिया के अंधभक्त एक शब्द चल रहा है बहुत। तो आपकी विचारधारा कुछ हो सकती है, मेरी विचारधारा कुछ और हो सकती है। मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा, मैं अपनी बात लिखूंगा, आप अपना ब्लॉग बनाएंगे, आप अपनी बात लिखेंगे। दैट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ योर पब्लिकेशन, इट इज वंस ओन ओपिनियन। न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 पैंडेमिक गुजरा, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस समय बहुत सक्रिय थी। दुनिया का हर व्यक्ति डॉक्टर बन चुका था। ये करो तो कोविड से बच जाओगे, ये करो तो कोविड से बच जाओगे, ये करोगे तो कोविड हो जाएगा। हर दिन सैकड़ों मैसेजेस, काढ़ा पियो, फलाना पियो, ढिकड़ा पियो, एवरीबडी वॉज अ डॉक्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्या आप उसको अपने शोध का पार्ट बना सकते हो? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसीलिए मैंने कहा था किसी स्लाइड्स में, अगर कोविड-19 के ऊपर कुछ देखना है WHO जाओ वेबसाइट देखो, राइट? हाउ टू अवॉइड प्लेग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, बी ऑनेस्ट। अगर आपने इस पहले पॉइंट पर 100% अमल कर लिया, 0% प्लेगरिज्म आएगा, ये दावा है मेरा। क्या आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है? आपको नहीं पता आपने कहां से नकल किया? आप ही तो लिखने वाले हो ना, आपको तो सब कुछ पता है ना। यानी पता आपको है, पूछ रहा हूं मशीन से, पता आपको है कि मैंने कहां से कॉपी किया, पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर से कि तू बता दे जरा मैंने कहां से नकल की है। आपको नहीं पता, बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी से अगर आपने रिसर्च पेपर लिखा, बुक चैप्टर लिखा, रिसर्च रिपोर्ट लिखी, तो 0% प्लेगरिज्म होगा। लेकिन हम तो भारतीय है ना, हमें तो सारे गुणा खा जाते हैं, ये तो जुगाड़ का देश है। कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे भाग जाए, हमसे आगे नहीं जा सकती, बिकॉज वी आर मैन। It is only the human being that has the ability to think. We must talk about computer application. We must talk about information technology application because of its attributes like speed, accuracy, decision making, flexibility, expandability, automatic operation. But remember, computer cannot think. और उसकी एक disadvantage जो है, computer cannot think, वो उसकी सारी खूबियों में पानी फेर दी। बच्चे आते हैं मेरे पास थीसिस लेके सबमिट करने के लिए, सीधी बिल्कुल मेरे निकट आके खड़े हो जाएंगे, झुक जाएंगे और कान में कहेंगे, गुरुजी कुछ हो सके क्या? तो मैं जवाब यही देता हूं, अरे भाई मैं तो अपना रिसर्च पेपर जब चेक करता हूं, ये मुझसे कह देता है कि 32% है तेरी। अगर ऐसा होगा कि मैं तो हमेशा जीरो निकालता अपनी, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। डॉक्टर जे सिद्दीकी का रिसर्च पेपर है, अगर उसको इतनी समझ होती तो वो तो जीरो ही देता ना मेरा तो। अरे भाई सिद्दीकी साहब कहा है, ये तो अपने आदमी है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, राइट? स्टार्ट कर दीजिए, स्रोत से जमा हो गया, एक्सेप्ट हो गया, आरडीसी हो गई, लेटर मिल गया, टॉपिक मिल गया, बड़े ग्लैड हो गए, अरे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया,
मैं पीएचडी में एनरोल हो गया जब तक एक एक व्यक्ति से नहीं बता देगा चैन ही नहीं पड़ता। अब बस वो एक हफ्ते चलता है सीन, फिर वो आरटीसी का लेटर फाइल में, अभी तो हटाएंगे, पूछते फिरेंगे कितने समय में पूरी हो सकती है, किसी ने कह दिया 3 साल 3.5 साल, अरे तो बहुत देर है, 2 साल इसी में गुजार दिया तो बहुत देर है, कर ले जैसे इम्तहानों में भी करते हैं, अभी तो फट आएंगे, डेट शीट आ गई, अरे अभी तो एक हफ्ता है, रात को पढ़ लेंगे, सुबह में जल्दी याद होता है, सुबह को पढ़ेंगे, बस फिर वो ऐसे याद आते हैं। Start a little bit of time when writing a paper, it is easy to miss something when you are rushed. समय तो भाई इतने को सोचने के लिए समय दो, हमारी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारी अंग्रेजी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमें तो कदम कदम पे चलना पड़ेगा, छलांग मार ही नहीं सकते। Correct citation, it is one thing to cite your sources, but that won't mean much if you don't do it correctly. 100% accurate आपको citation देना है, reference देना है. Proof reading is a requirement and it will also help with your criticism. अभी जो मैं बात कर रहा था, लिखा दिया है, पढ़ लो जी, अरे proof reading आपकी तो करो ना, खुद ये रिसर्च स्कॉलर की बेसिक प्रॉब्लम है कि वो जैसा लिखता है पहला ड्राफ्ट वो एज इट इज लेकर के आ जाता है कि मैटर निकालेंगी बत्तियां, अरे भैया 30 से 40% तू खुद भी निकाल सकता है अगर पहले पढ़ ले इसको। कोई हर्ज नहीं है अगर आप किसी दूसरे सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, रिसर्च का मीनिंग क्या है, 7 दिन से आप ये सुन रहे हो ना, रिसर्च इज अ वर्ड दैट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, रिसर्च, री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, दैट मीन्स समथिंग हैज ऑलरेडी बीन डन एंड यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग न्यू From what has already been done by your people. ये तो है रिसर्च। तो जब तक आप दूसरे का नहीं देखोगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सेकेंड चैप्टर जो थीसिस का होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या है उसमें कि पहले आप ये जानने की कोशिश करते हो कि जिस विषय पर जिस टॉपिक पर मैं काम कर रहा हूं मेरे से पहले अन्य कितने लोगों ने इस पर काम किया और उनके क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या इंफरेंसेस थे, क्या आउटकम्स थे, उसके बाद से मुझे लेकर के चलना है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट लिटरेचर रिव्यू। तो जब तक दूसरे का नहीं देखोगे आप कर ही नहीं सकते, और जब दूसरे का देख रहे हो जिसका देख रहे हो उसका प्रॉपर रेफरेंस दो, लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता। Paraphrasing works when you record a sentence without it losing meaning, you have to write it in your own words and cannot just take out one word and replace it with another. बहुत सारे tools आ रहे हैं online कि आपने किसी का paragraph दिया, उसको paste कर दिया, और वो जो tool है online public domain पे वो उसमें क्या करता है, synonymous words ले लेता है, अरे ये word की जगह ये fill कर लो, ये word की जगह ये fill कर लो, आप समझते हो क्या कहा, नहीं होता कहा। पैराफ्रेजिंग का मतलब यह है कि अगर आपने किसी का पर्टिकुलर पैराग्राफ लिया, देखा, पढ़ा, पहले उसको समझो और समझने के बाद अपनी भाषा में परिवर्तित करो उसको, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मीनिंग चेंज ना हो, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। दूसरा, एड वैल्यू, आपने उसके पैराग्राफ से जो निष्कर्ष निकाला अपने शब्दों में उसको परिवर्तित कर लिया, अब उसमें थोड़ा सा मसाला अपना भी लगाओ, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, उसकी रेलिवेंस बढ़ाने के लिए, राइट।
supervisor making sure you know the guidelines or the paper research you are working on. ये समय तो है नहीं सर स्कॉलर के वो अपने सुपरवाइजर के पास आ जाए. क्यों आना जरूरी है बताता हूं. दो एग्जाम्पल देता हूं. यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिया कि एक रिसर्च स्कॉलर को दो पेपर पब्लिश करना कंपलसरी है वरना पीएचडी होगी नहीं. अब रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए. मेरे पास आते हैं बच्चे चार छह पेज दिए हुए. सर मैंने ये पेपर लिखा है इसको कहीं छपवा दो. इज इट द वे. सुपरवाइजर होता ही इसलिए है कि वो आपको गाइड करे व्हाट इज द मेथड ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर. हाउ टू राइट रिसर्च पेपर गुड रिसर्च पेपर. दो तीन स्टेप में इसमें बता दूं क्योंकि जरूरी है रेलिवेंट भी है कि जब भी आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो शुरू करने से पहले आपको तय करना होगा कि किस जर्नल में पब्लिश कराना है. सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको तय करना होगा कि कौन से जर्नल में आप पब्लिश कराना चाहते हो. आपको अपना स्पेशलाइजेशन पता है, आपको अपना थ्रस्ट एरिया पता है, आपको अपना डोमेन पता है कि साहब मैं इस एरिया में रिसर्च पेपर लिखना मेरे लिए आसान है या मैं सक्षम हूं. फिर आपको सर्च करना है कि इस तरह के थीम पर कौन सा जर्नल रिसर्च पेपर पब्लिश करता है. ये भी आपको जानना जरूरी है. जब आपने एक जर्नल सेलेक्ट कर लिया कि दिस इज द जर्नल इन विच आई कैन कंट्रीब्यूट माई पेपर. हर जर्नल यानी अच्छे जर्नल के अंदर लास्ट में आप एक पेज देखेंगे इंस्ट्रक्शंस टू द ऑथर्स गाइडलाइंस टू द ऑथर्स. और वो एक गाइडलाइन नहीं होती दो नहीं होती 30 से 40 तक होती है कि आपको पेपर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है. एंड इट वेरी फ्रॉम जर्नल टू जर्नल. आप उन सारे पैरामीटर्स को देखें पढ़ें और फिर जो थॉट्स हैं आपके जो आइडियाज हैं आपके जो कंसेप्ट्स हैं आपके आप उन पैरामीटर्स में परिवर्तित कर दें उसको और तब उस जर्नल को अपना रिसर्च पेपर जो है भेजें. तो मैं समझता हूं कम से कम टाइम में जल्द से जल्द आपका पेपर पब्लिक. आप तो अपनी शिकायत होगी अरे एक साल हो गया पता नहीं कितनी बार रिव्यू कराएंगे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा पेपर. दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. कोई किसी का दुश्मन नहीं है कि आपसे कुछ नाराज है आपकी भैंस खोल के ले गया कोई क्या आपको परेशान कर रहा है. वो तो उनके पैरामीटर्स उनका पूरा रिव्यू बोर्ड है. जो टीचर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे जर्नल्स के रिव्यूअर्स बने. वो भी आपके एकेडमिक एक्सीलेंस को बेहतर करता है. आप तो पूछ लेते हैं और आप अपने सीवी में डालेंगे फिर उसको कि मैं इस जर्नल का रिव्यूअर की टीम का मेंबर हूं. राइट. वेब सोर्सेस यू हैव टू रेफरेंस और साइट ऑनलाइन सोर्सेज यू यूज इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेजरिज्म सच एज वेब एड्रेस लिंक एंड यूआरएल. ये देखा गया है कि 70% कॉपी जो होता है वो वेब सोर्सेज का होता है. तो वेब सोर्स का रेफरेंस कैसे दें. ये तीन ऑप्शंस आपके साथ है. वेब एड्रेस दे दें www.whatever it is पूरा लिंक दे दें रेफरेंस में. आप लिंक दे दें उस स्पेसिफिक आर्टिकल का जो लिंक है वो दे दें. और पब्लिशर ने अब तो बहुत आसान कर दिया है यूआई.
डीओआई देते, उससे एग्जैक्ट पॉइंट पर वो जाके क्लिक करता है। किसान की पैराग्राफ जो है वो मैंने यहां से लिया है और उसका डीओआई ये है। जैसे ही डीओआई पर क्लिक करेंगे ओरिजिनल पेपर खुल जाएगा। यूज प्रेजेंस टैग, चेक योर पेपर थीसिस बाय एप्लीकेशन सॉल्यूशन प्रूफ ऑफ सबमिशन कंपल्सरी मैंडेटरी। कैंपस के अंदर जितने भी पीजी कोर्सेज चल रहे हैं, जिस जिस पीजी कोर्स में डिसर्टेशन का प्रोजेक्ट वर्क है, सब पर प्लैगियरिज्म लागू है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं लगेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। टेक्निकल पार्ट बिगिंस फ्रॉम दिस स्लाइड because most of the students and faculty are concerned with Chaudhary Charan Singh University Meerut. What we have in our university, madam ne subah pucha UGC ne 10% ki limit rakhi hai similarity. Yes, do it. UGC ne 10% rakhi hai but it vary from university to university. Usme unhone ye bhi kaha hai कि यूनिवर्सिटी अपने लिमिट पर कमेटी बनाते हुए डिसाइड कर सकती है कि उनको कितना रखना है। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा कि हमारे देश में आईआईएम अहमदाबाद है और हमारे देश में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है मनाड यूनिवर्सिटी, आप एक नॉर्थ में खुली थी यूनिवर्सिटी, उसने एक साल में 1788 पीएचडी दे दी थी। ऐसे ही संस्थान है हमारे, तो 10% का दोनों के लागू होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आईएम का तो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये तो एक भी नहीं कर सकते। इट वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20% है, एएमयू में 20% है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 25 है और भारत की 27 यूनिवर्सिटी में 30% भी है। बट एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वी हैव द लिमिटेशन ऑफ 25, लेस देन 25 इज एक्सेप्टेबल। Guidelines for submitting soft copy of the thesis for plagiarism checking with anti-plagiarism software for the research scholars and research supervisors are. What are the conditions? These are some of the conditions that a research scholar has to follow when he or she comes to university to submit the research. Soft copy of the thesis, whether it is in CD-ROM or DVD, covering all the chapters has to be submitted in a single MS Word or such as a PDF file, including preliminary pages, declaration, acknowledgement, abstract, list of charts, identification, table of contents, and succeeding pages, glossary, index, questionnaire, and references. Har cheez shamil hogi सीडी के अंदर जब आप चेक कराने के लिए यूनिवर्सिटी आओगे। एट प्रेजेंट द लाइब्रेरी फैसिलिटेट्स एक्सेस टू एंटीप्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर टर्निंग टू द रिसर्च स्कॉलर द टाइम टेकन टू चेक प्लेगरिज्म टू डिटेक्ट सिमिलरिटी इंडेक्स मे वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 24 आवर्स, हेंस प्लेगरिज्म मस्ट बी चेक इन एडवांस एटलीस्ट 15 डेज बिफोर सबमिशन। हम क्या फेस करते हैं? शाम को 4 बजे आएगा, भागा दौड़ा, पसीने पसीने, हाथ में सीडी, एक हाथ में फाइल, गुरुजी मेरा चेक कर देना। क्या चेक कर दे? सर ब्लैक चेक कर दो, ये सीडी है, 5 बजे मेरी लास्ट डेट है सबमिशन की। उसी दिन 5 बजे लास्ट डेट सबमिशन की, 4 बजे कार्यालय में मेरा चेक कर दो। नॉट पॉसिबल, मशीन है ये, तो लिखा है हम 1 hour 24, 72 घंटे भी लग जाते। इट इज एक्चुअली
ऑटोमेटिकली जनरेटेड फंक्शन हमने अपलोड किया, जब तक वो रिपोर्ट नहीं देगा हम क्या उसमें हाथ डाल के खींच लेंगे? ये तो सिस्टम है, सिस्टम जनरेटेड है, वो एक घंटे में भी दे देता है, नहीं देने को 72 घंटे भी नहीं देता रिपोर्ट। क्यों ऐसा है ये भी तो जानो ना। टर्निटिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है नंबर 1 का, और इसका होस्ट डाटाबेस जो है वो अमेरिका में है। तो आप सोचो वर्ल्ड वाइड कितनी अपलोडिंग होती होगी। वी एट जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मेरठ ऑल्सो अपलोडिंग द रिसर्च पेपर्स, बुक चैप्टर्स, थीसिस। कल्पना करो कि पूरी दुनिया में उसका मीटर जो है ना वो ऐसा भागता है अपलोडिंग का। भैया उसे भी टाइम चाहिए देना ना, उसको भी टाइम चाहिए ना। तो इसलिए ये आपको बता रहा हूं 15 दिन पहले सबमिशन की डेट से चेक करा। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगा सॉफ्टवेयर है। दुनिया के जितने भी टॉप 20 पब्लिशर्स हैं वो केवल और केवल इसी को स्वीकार करते हैं। 7 लाख रुपए पर एनम इसका सब्सक्रिप्शन है। यहां थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैंने रेड कलर कर दिया। आई एम ऑल्सो सुपरवाइजर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड द रिसर्च सुपरवाइजर टू गो थ्रू द आइडेंटिफाइड सिमिलर कंटेंट एंड टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एंश्योर ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च आउटपुट। कभी कभी हम बड़ी जल्दी में सर्टिफिकेट दे देते हैं बच्चे को, अरे इसकी लास्ट डेट है, जल्दी से सबमिट हो जा। बच्चे से ज्यादा हम फिक्र करने लगते हैं, खूब भागे भागे फिरते हैं, सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया बिना ये जाने कि ये जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, जिस काम का दे रहे हैं, उस काम का स्तर क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसके रेफरेंसेस कैसे हैं, उसके साइटेशंस कैसे हैं, ये सारी जिम्मेदारी सुपरवाइजर की भी बनती है। गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट बिफोर यू इश्यू ए सर्टिफिकेट, सर्टिफाई दैट मिस इतना हैज कंप्लीटेड हर रिसर्च वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अंडर माई एबल गाइडेंस। बड़ी आसानी से दे देते हैं। और वर्तमान समय में तो मैं समझता हूं कि रिसर्च करना सबसे सरलतम काम बन चुका है। मैडम से पूछो जब किया होगा पीएचडी, जितने सीनियर बैठे हुए हैं उनसे पूछो कैसे किया होगा, मैं खड़ा हूं उससे पूछ लो मेरा हाल। कि सुपरवाइजर 3-3 घंटे बाहर खड़ा रखता था दरवाजे के और हिम्मत नहीं थी कि नॉक भी कर दे कि मैं आ जाऊंगा। 3-3 घंटे खड़े हैं, टांगे थक गए, पियोन से कहने आ रहे हैं सर से कह दो मैं खड़ा हूं। अरे कह दिया, 2 बार कह चुका हूं, मुझे पाठ पढ़वाओगे आप। और जब नंबर आता था वो कागज रद्दी में कागज आते थे रजिस्टर के लाइन वाले पेज, उस पर लिख लिख के ले जाते थे और दिया सर मैंने ये लिख लिया है, 2 लाइन पढ़नी, अगर 1 कॉमा की भी गलती कहीं दिख गई पूरा जो क्रॉस मारते थे और फेंक देते थे। ये हिम्मत नहीं कि पूछ ले गलती क्या है। ये लेवल था, ये स्तर था। अब सुपरवाइजर इंतजार करता है अरे आजा फोन करके पूछेगा कहां है बेटा आजा, मैं बैठा हूं इंतजार में। जैसे सर्टिफिकेट एमपी
नहीं दिया। Now the research has become the easiest way. उस वक्त ना कोई गूगल बाबा के, ना कोई ऑनलाइन सोर्सेस के, एंड वी यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, वी यूज टू गो फ्रॉम वन लाइब्रेरी टू अनदर लाइब्रेरी टू सर्च व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन। उस समय की रिसर्च में सबसे ज्यादा मुश्किल था दूसरा चैप्टर लिखना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, टफेस्ट वर्क। आज के समय में वो इजीएस्ट बन गया। गूगल का आ गई जरा बता दें, मोस्ट डेंजरस आई मस्ट से, जिस पर आपने अपनी पूरी जिंदगी को निर्भर कर लिया ना, गूगल पे। अरे ये तो हकीम लुकमान है, इनके पास तो हर मर्ज का इलाज है। मैं कई बार कह चुका हूं अपने व्याख्यान में, कंप्यूटर का नॉट थे, वो उनकी हैसियत और औकात की बता देता हूं जिस पर इतना भरोसा है। आप, मैं प्रोफेसर हूं, यूनिवर्सिटी में हूं, फलाना हूं, फिकरा हूं, अभी मैं बताई क्या क्या बता रही थी मेरे बारे में। मैं गूगल सर्च इंजन पे डालू प्लेगरी से, राइट, रिजल्ट देगा हूं, देखा ना। मैं डॉक्टर अर्चना से कहूं कि मैम एक नया सर्च इंजन खोल के गूगल का, आप जरा पूछो प्लेगरिज्म डाल के, रिजल्ट क्या आएगा? सेम। आप अपने कॉलेज की बीए फर्स्ट ईयर की बच्ची को बुलाइए और उससे लिखवाइए प्लेगरिज्म गूगल सर्च इंजन में, रिजल्ट सेम। बाहर चौराहे पर छोले वाला भटूरे वाला खड़ा हो, उसको बुला करके लाइए और सर्च इंजन में डलवाइए प्लेगरिज्म, रिजल्ट क्या आएगा? कंप्यूटर के नॉट कि ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, ये प्रोफेसर है कॉलेज की, ये छात्रा है, ये रिसर्च स्कॉलर है, ये छोले वाला। गूगल कैन गिव यू मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, द टीचर प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज आप जानते होंगे रिसर्च स्कॉलर से जब आप बात करती होंगी तो आपका टोन कुछ अलग होता होगा, लेवल कुछ अलग होता होगा, वो वोकैबुलरी कुछ अलग होती होगी। जब एमए की क्लास पढ़ाने जाते होंगे तो आपका लेवल कुछ और होगा। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर में बच्ची आती है तो फिर आप क्या बन जाते हो? आपको कोई ये कहेगा कि क्या टीचर है, क्या पढ़ाना है? और जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप अपना पेपर प्रेजेंट करने जाते हो, वहां तो आप आकाश में उड़ने लगते हो, बिकॉज You have the ability to think कि हमें किसको क्या परोसना है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, इज इट क्लियर? आई वेलकम डॉक्टर दीक्षा अली फ्रॉम चौधरी चंद सिंह यूनिवर्सिटी, इज प्रोफेसर देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वन मोर प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी कैंपस, डीपी शर्मा जी, मैं स्वागत करता हूं और थोड़ा सा धैर्य संयोग हूं, विद्वान लोग हैं दोनों। द लिमिट फॉर सिमिलरिटी इज अप टू 25% फॉर ऑल फैकल्टीज, एंड इन केस द परसेंटेज ऑफ सिमिलर कंटेंट डिटेक्टेड इज बियॉन्ड परमिशनल लिमिट, दैट द रिसर्च स्कॉलर्स एंड द रिसर्च सुपरवाइजर हैज टू रिवाइज एंड रीसबमिट द थीसिस डिसर्टेशन फॉर प्लेजरिज्म चेक। आप लेकर के आते हैं, यदि आपका 25% से कम आता है तो आपका स्वीकार हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर 25 से ऊपर आता है तो आपको थीसिस वापस किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप अपने सुपरवाइजर के साथ बैठकर इसको रिवाइज करें। क्या है आगे? ये भी आप बहुत ध्यान से सुन लें, जो सॉफ्टवेयर है दैट वी हैव बीन यूजिंग सिंस 2018, व्हाट वी कॉल टर्मिनेटेड, उसमें ऑटो एक्सक्लूजन है। मुझसे मत पूछिएगा जब भी लेकर के आए, ऑटो एक्सक्लूजन क्या क्या है
quotes, bibliographic references, phrases, small matches up to 14 words. Small similarity, less than 1%, mathematical formula, name of institution, departments, etc. For example, कोई साइंस का रिसर्च स्कॉलर है और उसके शोध का जो टॉपिक है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, राइट? तो उसके थीसिस के अंदर तो कम से कम 100 बार आएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसका तो प्लेगरिज्म 25% उससे ही हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देता है उसको, डिपार्टमेंट का नाम हो, इंस्टीट्यूशन का नाम हो, फ्रेजेस हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, वो ऑटो एक्सक्लूड है, वो उसके अंदर ही है, इनबिल्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Regarding self-plagiarism or cases where published work of the student is shown as plagiarism in the check, a certificate of plagiarism self-exclusion certificate has to be issued by the supervisor specifying and attaching the articles that have been published by the student from thesis work. Only these articles shall be excluded from the check. No other article of the supervisor or the student shall be excluded from the check. बच्चे आते हैं सबमिट कर देते हैं, सिमिलैरिटी आ गई 42%, बच्चा वही लड़ने लगता है, सर ये तो मेरा ही पेपर है जो ये दिखा रहा है सिमिलैरिटी, सर ये तो मेरा ही पेपर है, फिर वही जवाब, बेटा इसे कंप्यूटर को कैसे बताएं हम कि ये समझ ले कि ये तेरा पेपर है, इसको तो बताना पड़ेगा ना। डॉक्टर दीक्षांत अली का पीएचडी है, उसमें इनके 4 रिसर्च पेपर हैं, तो क्या कंप्यूटर को बताया कि ये डॉक्टर दीक्षांत अली वही डॉक्टर दीक्षांत अली है? कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि ये सिमिलैरिटी इंडेक्स जो आ रही है, जिस पैराग्राफ जिस पेपर की आ रही है, ये वही कैंडिडेट है। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है कि जितने भी पब्लिश्ड पेपर्स हैं वो सुपरवाइजर उसका सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये इस बच्चे के अपने पेपर्स हैं। सुनीता शर्मा 1000 हो सकती, ये तो सुपरवाइजर सर्टिफाई करेगा ना कि ये वही सुनीता शर्मा है जिसका ये रिसर्च वर्क है, जिसका ये रिसर्च पेपर है। Levels of plagiarism. Plagiarism would be quantified into the following levels in ascending order of severity for the purpose of its definition. These are some of the regulations that has been constituted by the Committee of Plagiarism University for plagiarism policy. Level 0, similarities up to 25, that means minor similarities, no penalty. 25 से कम अगर सिमिलैरिटी है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेवल 1, इफ इट इज मोर देन 25 बट लेस देन 40%, लेवल 2 मोर देन 40 लेस देन 60, एंड लेवल 3 ये तो बड़े खिलाड़ी होंगे, मोर देन 60%। दीज आर द पेनल्टीज। लेवल 0 सिमिलैरिटीज अप टू 25, जैसा कि कहा माइनर सिमिलैरिटी, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 सिमिलैरिटीज अबव 25 लेस देन 40, सच पर्सन शैल बी आस्क्ड टू सबमिट ए रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। अगर 25% से ज्यादा है और 40% से कम है तो थीसिस आपका सीजी जो है वापस कर दी जाएगी रिसर्च स्कॉलर को, और उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा उसको रिवाइज करने के लिए। यहां यह बताना आवश्यक है कि 6 महीने का मतलब हरगिज ये नहीं कि 180 में ही दिन आओ आप, कभी अब 6 महीने तो पूरे हुई अगर 1 महीने में रिवाइज कर सकते हो आप, 1 महीने बाद आ जाओ, मैं जब
पूछता हूँ, बेटा कहाँ चला गया था तू? सर अभी 6 महीने का उसमें थे। ये तो मैक्सिमम लिमिट है कि 6 महीने यानी 181 दिन अगर हो गए तब स्वीकार नहीं हो, राइट? लेवल टू, इफ इट इज मोर देन 40 लेस देन 60 सच पर्सन कैन बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग ए रिवाइज स्किल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जाहिर है जब इतना कॉपी करेगा तो उसको 1 साल तो लगेगा इसको रिवाइज करने में, और ये पॉलिसी बनाने में हमको 6 महीने लगे थे। हर पॉइंट पे, हर एंट्री पर सोचा गया, मंथन किया गया कि क्या बनाया जाए जिससे शोधार्थी को, टीचर को, सुपरवाइजर को किसी भी लेवल पर कोई समस्या उत्पन्न ना हो। यहां भी वही बात है कि अगर 1 साल का समय है तो जितने समय में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं यू कैन कम बैक। सिमिलरिटीज अबाउट 60, ये तो स्पेशल कैटेगरी है। सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम शैल बी, हमें माफ कर दे तू अपना घर को जा कर ली तू कभी ऐसे। इंपैक्ट ऑफ प्लेजरिज्म ऑन रिसर्च, ये कुछ डाटा हमने निकाला है। 2014 आप देख सकते हैं, चौधरी चंद यूनिवर्सिटी में 1189 PhDs प्रोड्यूस्ड बाय चौधरी चंद यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2014। आधा भाई जिसको भी करनी है, आधा और जिसको करनी है PhD, जिसने अप्लाई किया उसका स्वीकार होगा, सीट कितनी थी और जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ उसको रिवार्ड हो गए, देखना कुछ नहीं। बहुत कड़ी बात है, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वन ऑफ देम। पंद्रह में 54 रह गए, 16 में 185, 17 में 74, 18 में तो हाल सबसे ज्यादा बिगड़ गया जब 2-4 गेम चले गए प्लेगरिज्म के चक्कर में। तो मैदान में केवल वही रह गए जिनको रिसर्च करनी थी, वो सब भाग गए जिनको अपने नाम से पहले डॉक्टर लगाना था। राइट? जाहिर है जब 25 पे आ गए तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या हो गई होगी। NIRF रैंकिंग में हम कहां चले गए होंगे, US रैंकिंग में हम कहां चले गए होंगे। जब एकेडमिक्स की बात होती है तब क्वांटिटी कोई नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। अभी आपने देखा होगा COVID-19 पेंडेमिक में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप की, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल। मालूम है किसी को? हाथ उठाइए जिसको ये मालूम है। COVID-19 पैंडेमिक में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट निकाला गया, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल, और उस पे अपेक्षा की गई उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से कि आप कंटेंट्स तैयार करें और इस डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करें। सभी ने किया। चौधरी चंद सिंह यूनिवर्सिटी के तमाम ई कंटेंट्स जो टीचर्स ने डेवलप किए थे वो सब मैंने अपलोड किए। कब तक निशान बैठे हमारे जानते हैं, और हमारे जो टोटल ई कंटेंट्स उस पर अपलोड हुए उनकी संख्या है 5,662, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम भी रखा था कि जो top 3 अपलोडर्स होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। वो सम्मान भी मिल गया, पुरस्कार भी मिल गए, सर्टिफिकेट भी मिल गए, माला भी डल गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
आगरा 14,948 ई कंटेंट्स। शासन ने एक मीटिंग की गवर्नर हाउस में, सौभाग्य था मैं भी उसमें प्रतिभाग कर रहा था, तो वहां जानी साहब ने सवाल किया कि सिद्दीकी साहब आपकी कंटेंट्स थोड़े कम थे। मैंने कहा आपको क्वांटिटी देखनी थी या क्वालिटी देखनी थी? खामोश हो गए। मैंने कहा जिसकी बात आप कर रहे हो 14,967 ई कंटेंट्स, क्या आपने देखे वो ई कंटेंट्स? उन 14,967 में से 9,213 कंटेंट एक टीचर के हैं। और वो कंटेंट क्या है, क्योंकि मैं तो अपलोडर था, मेरे पास तो एडमिन गाइड्स थे, मैं तो किसी का भी खोल के देख सकता था। दुर्भाग्य की बात है कि वो मेरे विषय का महारथी है, डॉक्टर केसरवानी, आगरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर पीएसजी कुमार की एक किताब है नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। उस किताब के अंदर 742 पेजेस हैं, 742 ई कंटेंट बन गए उनके। पेज को स्कैन किया डाल दिया, पेज को स्कैन किया डाल दिया। और जिस दिन वो डेट खत्म हुई, जो लास्ट डेट निर्धारित करी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि इस डेट तक जितने अपलोड हो जाएंगे केवल उन्हीं को हम स्वीकार करेंगे अवार्ड देने में, उस डेट के बाद से आज तक एक भी कंटेंट अपलोड नहीं हुआ। और जिस वक्त ये अवार्ड दिए गए थे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मात्र 2013 ई कंटेंट्स थे, जो आज के दिन 5,666 है। हमें कोई अवार्ड नहीं देना, कचरा घटे, क्वालिटी मैटर्स। ये आप देख सकते हैं स्लाइड, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। जब 18 में ये पता चल गया कि भैया शॉर्टकट नहीं चलेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल बी नहीं चलेगा, तो लोगों ने फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी और परिणाम आपके सामने है। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर को खींचने लगा, ग्राफ से आप देख सकते हो 2014 कहां एफिल टावर खड़ा हुआ है, और फिर बिल्कुल जमीनी सतह पर चला गया 2018 में, और फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वी आर अगेन इंप्रूविंग द क्वालिटी रिसर्च। ये भी एक सवाल अभी किया था आपकी प्रिंसिपल मैम ने, टर्निटिन एक्चुअली यूनिवर्सल एंटी प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर है, दैट ओनली डिटेक्ट्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज, एंड द यूनिवर्सल लैंग्वेज इज इंग्लिश। इसकी एक बस यही लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की कि ये केवल और केवल यूनिवर्सल लैंग्वेज को डिटेक्ट करता है। हम तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, हमारे यहां तो 40% टीचर्स रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट्स जो है वो देसी भाषा वाले हैं, रीजनल लैंग्वेज वाले हैं, तो वो तो सब आधार ढूंढेंगे। और शुरू में एक साल ऐसा हुआ भी कि जब हमने 2018 में टर्निटिन यूज किया तो जितने हिंदी भाषी फीसे थे धार धार निकलते चले गए, मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है, साइंस के यानी इंग्लिश लैंग्वेज के जितने थीसेस थे वो तो सब लटके पड़े हैं, और हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा डज नॉट मीन ओनली हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सो मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, वो सब थ्रू हो गए। तो थिंक टैंक फिर बैठ गया, व्हाट टू डू, देन वी फाइंड देयर इज ए सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन इंडिया दैट इज इंडिजिनस एंटी
रैंकिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड चेक फाउंडर। यह हमें ही पकड़ता है, यह अंग्रेजों को नहीं पकड़ता। यह भारत की 32 रीजनल लैंग्वेजेस को डिटेक्ट करता है, 32। अब लिया हो संस्कृत में, लिया हो हिंदी में, लिया हो उर्दू में, सबको ये पकड़ता है। क्यों क्यों जरूरी है प्रैक्टिस चेक कराना? विद्यार्थी यानी शोधार्थी कितने हैं यहां बात करिए, रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर भी हो चुका है रिसर्च स्कॉलर, यस सो मेनी, ठीक है। क्यों जरूरी है प्लैक चेक कराना बिफोर सबमिशन? जैसे ही आपको पीएचडी की उपाधि अवार्ड होती है उसके तुरंत बाद विद इन फ्यू डेज आपका थीसिस यहां आ जाता है। कहां जाता है? शोध गंगा पोर्टल पर, डिजिटल फॉर्म में। और ये पोर्टल वेब इनेबल्ड है, वेब इनेबल्ड, दुनिया में कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। और इस पोर्टल पर इंडिया की 567 यूनिवर्सिटीज द्वारा जो पीएचडी कराई गई है वो सबकी सब इस पर अपलोडेड है, सबकी सब। मेरा भी फीस अपलोडेड है। और मैंने कहा वेलिडेटेड है, दुनिया में कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। मान लो मैंने मैडम के थीसिस में से नकल करी है, ठीक, मैं कनाडा चला गया, मैडम भारत में है, अभी देखने लगी, अरे तो मेरा चैप्टर है, ये तो मेरा पैराग्राफ है। मैं चाहे दुनिया में कहीं छुप जाऊं, शोधगंगा पोर्टल तो इसका जो होस्ट डेटाबेस है वो तो अहमदाबाद में है, गुजरात में है, वहां जो टीम बैठी हुई है मैडम उनको तो लिखेंगी, अजी ये गलत करता थी इसमें। अब जिम्मेदारी उसने क्रेड की है तो वो ट्रेस करेगा कहां आ गई, आ जाएगा तो भैरवी मन हो बच्चों, भैरवी मन हो, इसीलिए तो हम ये मंथन कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। उसी के लिए ये एफटीपी भी है कि हम रिसर्च के जो इथिक्स हैं उनको जान लें। ये हम सॉरी, ये ऑटो की बात का है क्या? चलिए कोई बात, ये कुछ स्लाइड्स हमने इसमें ऐड की हैं कि किस तरह से हम चेक करते हैं, जो आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट करते हो किस तरह से हम सॉफ्टवेयर पे उसको अपलोड करते हैं और किस तरह से ये चेक होता है। इट इज अनडाउटेडली टीडियस जॉब। आप देख सकते हैं ये थीसिस अपलोड हुआ, स्कैन हो रहा है, फाइल बन रही है, ये टर्मिनेटिंग सॉफ्टवेयर पे इसका डिस्प्ले आ गया, ये रिपोर्ट है कि स्कैनिंग के बाद ये रिपोर्ट इस तरह से जनरेट करता है और इसने दिखाया 13% सिमिलैरिटी। इतना ही नहीं, ये भी बताता है बाइफर्केशन कि 13% में भैया तुमने 4% नकल जो है वो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से लिया है, आपने 2% जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, चोरी करने के पाकिस्तान गया वहां से आपने कॉपी किया है, 1% आपने इस साइट से, 1% इससे, ये बाइफर्केशन नॉट ओनली दिस, ये तो समरी है। ये रिपोर्ट ये भी देगा कि आपके थीसिस में चैप्टर 3 के अंदर नॉर्मली जो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी आती है वो चैप्टर 1 में आती है, इंट्रोडक्शन,
आपके चैप्टर वन के अंदर पेज नंबर 23 पर इस पैराग्राफ के अंदर जो आपने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आपने इस जर्नल के इस रिसर्च पेपर के इस पैराग्राफ में से लिए हैं। बच्चे पीछे बैठे ध्यान से सुन रहा, एक थे ना कि ये मिथ है, अरे तुम्हें कौन पकड़ेगा, कौन देख रहा है, अरे सॉफ्टवेयर देख रहा है। आप चाहते हैं तो आपको आपके थीसिस की पूरी रिपोर्ट मिलेगी हाईलाइटेड, किस पेज पर किस पैराग्राफ में कितनी कॉपी है, और और ये सुबह 8 बजे से रात 7 बजे तक काम चलता रहता है। जैसा मैंने बताया चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, तमाम कॉलेज के जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो सब के सब यहीं चेक होते हैं। और जो आपकी टीम देख रहे हो, ये कोई स्टाफ नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये सब मेरे स्टूडेंट है लाइब्रेरी साइंस के। हमारे यहां डिपार्टमेंट में बीडी और एमटेक करने के बाद जब बच्चे को पीजी की डिग्री मिल जाती है तो 6 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी है। तो 6 महीने में हम बच्चों को तराशते हैं, A to Z उनको सारा काम सिखाते हैं, और उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं, और उस सर्टिफिकेट से उनका प्लेसमेंट होता है और हमारा काम होता है, और सब फ्री में होता है। हम कोई स्टाइपेंड नहीं देते बच्चों को, हम सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं, और उस सिखाने के एवज उनको सर्टिफिकेट देते हैं और उससे उनका प्लेसमेंट होता है। This is the status of plagiarism of the last 3 consecutive years. You can see 215 thesis पिछले 3 साल में ऐसे आए जिनका 25 से कम था। ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। 26 से 40% वाले 53 thesis हमें मिले जिनको हमने 6 महीने का समय देते हुए वापस किया, और ऐसा मात्र 18%। 40 से 60% वाले 18 केसेस मिले। अच्छी खबर यह भी है कि उस कैटेगरी का कोई नहीं मिला जो हमारी विश्वविद्यालय की छवि को खराब करता, यानी मोर देन 60% का कोई विद्यार्थी कोई शोधार्थी नहीं मिला गत 3 वर्षों। और मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि जब से शुरू हुआ वर्ष 2018 से आज तक कोई नहीं मिला। दिस इज ग्रेजुएशन स्टेटस ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ज्यादा समय तो नहीं ले लिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सर। और आज का सेशन नेचुरली बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एक तो सर का समझाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग वे में था, और दूसरा जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आपका एक रिसर्च प्लैगरिज्म के लिए जाता है तो सारे सर्च इंजन पे जाता है। सर ने बताया कि 24 से 48 घंटे लग जाता है एक थीसिस को उस प्रक्रिया से गुजरने में, तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ से वो चेक हो रहा है। तो कोशिश करें कि हम साहित्यिक चोरी ना करें, और हमें जितना अच्छा ब्रेन ईश्वर ने दिया है उसका पूरा प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने फैक्ट और फिगर के साथ हमारे विभाग ने, कला विभाग ने एक अंतर विश्वविद्यालय ग्रीटिंग कार्ड पब्लिशन कराया था, उसमें कुछ बच्चे विजयी हुए हैं, उसमें हम आपको
चाहते हैं कि आपके हाथों से बच्चों को प्राइज दिलाएं। हमारे बीच में हमारी एडवाइजरी कमेटी की ममता मैम बैठी हैं। मैम प्लीज आप भी आ जाएं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, हम चार मैम को बुलाते हैं। और इसके बाद एफडीपी में जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे सर के मैम के हाथ से। फर्स्ट प्राइज महविश अंसारी बीए थर्ड ईयर आए हैं। विदुषी शर्मा बीएफए फोर्थ सेमेस्टर तो भारती विश्वविद्यालय आए हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट से एम ए थर्ड सैम मोनिका। थर्ड प्राइज एप्रिसिएशन प्राइजेस हैं रिया अच्छा प्रोग्राम रहा था।
भाग लिया है जो मैं प्लीज आते जाइए हाथ उठाते जाइए ताकि मैं सर्टिफिकेट आगे बढ़ाती जाऊँ। सुमैया सानिया इरफान, आरती शर्मा बीएड डिपार्टमेंट से, पूजा राय स्माइल कॉलेज से, प्रेम सागर, अमिता, सुमन सिंह, हेमंत शुक्ला जी, शबाहत, वंदना, वर्षा राय, रीमा मित्तल, डॉक्टर बाबू रस्तोगी, डॉक्टर अंजलि गोयल, मिसेज बिरनी, मिस सुजाता चावला, डॉक्टर श्वेता त्यागी, मिस रुपैया, डॉक्टर शैलजा, डॉक्टर ममता फिलॉसफी डिपार्टमेंट, डॉक्टर गरिमा कुंडीर, डॉक्टर कंचनपुरी मधुमली, मंजू डॉक्टर मंजूलता, डॉक्टर गीता सिंह, डॉक्टर चित्राशी शर्मा, डॉक्टर निशा गोयल, डॉक्टर दिलशाद अली, डॉक्टर अनुपमा सिंह, डॉक्टर ममता कुमारी होम साइंस डिपार्टमेंट, डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, डॉक्टर अनुरस्तोगी, डॉक्टर शुभ्रा त्रिपाठी, डॉक्टर अनुरस्तोगी, डॉक्टर नाजिमा खान, डॉक्टर उपासना सिंह संस्कृत डिपार्टमेंट, डॉक्टर प्रियंका यादव साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर स्वाति मिश्रा हिंदी डिपार्टमेंट, मिस लवलीन तिवारी, मिसेज वंदना अग्रवाल, मिसेज श्वेता मित्तल, मिस दुर्गा त्यागी, मिस दीपशिखा टॉम, डॉक्टर अतिया परवीन, डॉक्टर दीपा त्यागी, डॉ
डॉक्टर विक्की, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर मालती, डॉक्टर अंजलि मलिक, डॉक्टर वर्षा रानी, सभी
सम्मानित सदस्यगण, स्पीकर विनर अर्चना जी, सेक्रेटरी रजनी जी, स्माइल कॉलेज से नेशनल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य ममता जी, सभागार में उपस्थित सभी रिसर्च स्कॉलर फैकल्टी हमारी, आप सब का अभिनंदन है। आपने इस सभी डे वर्कशॉप में अपनी निरंतर प्रतिभागिता करते हुए इसको सफल भी बनाया और जितने भी रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आए सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। उनसे हमने रिसर्च मैथोलॉजी के सभी पहलुओं पर, रिसर्च से संबंधित सभी पहलुओं पर ज्ञान अर्जन भी किया, अपनी नॉलेज को एनहेंस किया। क्योंकि आरजीपीसी कॉलेज ऐसा सेंटर है रिसर्च का जिसमें काफी संख्या में, मैं समझती हूँ विश्वविद्यालय में फर्स्ट तो नहीं दूसरे तीसरे स्थान पर जरूर होगा रिसर्च कराने में। और हमारे लिए ये बहुत जरूरी था कि हम रिसर्च पैथोलॉजी पर एक, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं या उनके सुपरवाइजर्स हैं, एक अपडेट नॉलेज इसके ले लें और ताकि हम रिसर्च कराने में उन सभी मेहमानों को अपना करके, जैसा कि सर ने कहा कि उसको अपडेट भी करें और उसको क्वालिटेटिव बनाए। क्वांटिटेटिव तो बहुत होता है हमारे पास डाटा, लेकिन उसमें क्वालिटेटिव कितना हो पाता है वो कोशिश हमारी होनी चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। क्योंकि क्वालिटी की पहचान बहुत जल्दी बनती है, क्वांटिटी की पहचान तो रहती है, उस पर सदा क्वेश्चन मार्क खड़े करना आसान है, लेकिन क्वालिटी अगर आपकी एक भी है तो उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना बड़ा मुश्किल है, उसको चैलेंज करना होता है सामने वाले को। तो उस क्वालिटी को एनहेंस करने का सर हमारा प्रयास है। आप विश्वविद्यालय से हमारे पास निरंतर की कोई ना कोई आता रहा, बाहर के एक्सपर्ट्स भी आए जिन्होंने अपने वक्तव्य अपने लेक्चर के माध्यम से हमें अपडेट भी दी सभी को, और हम बहुत लाभान्वित हुए उन चीजों से। आप इस मंच से, मैं अपने सेल कमेटी की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से, सबकी तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सब इसी तरह अपनी एजुकेशन क्वालिटी को उभारने के लिए प्रयास करते रहेंगे और इसकी सफलता के लिए सभी रिसोर्स पर्सन के साथ साथ नेशनल एडवाइजरी कमेटी और आपकी पूरी कमेटी ने पूरे डेडिकेशन के साथ जो काम किया है आप सब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। शुभ नामे जागे तब शुभ